नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर टेस्ट यानी तीसरा टेस्ट मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का समाप्त हुआ, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि दो दिन और एक सेशन में ही मुकाबला समाप्त हो जाए तो टेस्ट क्रिकेट की हार तो होगी ही। रिजल्ट जरूर आया, लेकिन भारतीय टीम 2-1 से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से आगे तो है, माफ कीजिए, लेकिन पहला मुकाबला इस सीरीज का ऑस्ट्रेलियन टीम जीतने में कामयाब रही। पिच को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि पिच ऐसा है, पिच वैसा है, अनियमित बाउंस है। इस पर पूर्व क्रिकेटर सहित क्रिकेट एक्सपर्ट तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन आईसीसी ने भी इस पर एक तरीके से रेटिंग दे दी है और पिच की रेटिंग में उन्होंने पुअर रेटिंग दी है इंदौर की इस पिच को। वहीं तीन मैच रेफरी के रिपोर्ट के अनुसार तीन डिमेरिट पॉइंट भी एक तरीके से दिए हैं यानी काटे हैं। तो अब जो इंदौर की पिच को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, आईसीसी ने भी इस पर एक तरीके से कड़ा फैसला लिया है और मैच रेफरी जो हैं वो बोलते हुए नजर आए कि इंदौर की पिच पर कि पहले ही दिन से एक तरीके से संतुलन नहीं था बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच, जहां दोनों को मदद मिलती हुई नजर आई। ऐसा नहीं था, पहले ही दिन से बल्लेबाजों के लिए एक तरीके से नर्क थी ये पिच और गेंदबाजों को मदद कर रही थी, पहले ही दिन से स्पिनरों को मदद कर रही थी। अनियमित बाउंस के बारे में भी वो बोलते हुए नजर आए कि पहले ही दिन से जिस पिच पर अनियमित बाउंस हो तो पिच बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के लिए सही नहीं है। पांचवें दिन अगर मुकाबला जाता तो यकीन कीजिए कैसा मुकाबला जाता, बॉल किस तरीके से फंसती, किस तरीके से रुकती, किस तरीके से बाउंस होती, तो इस पर वो बोलते हुए नजर आए कि पिच बिल्कुल बेकार थी। और ये हम नहीं, ऐसा बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं, और बल्लेबाजी करना यहाँ बहुत मुश्किल था। तो यकीन कीजिए 200 भी कोई सी पारी में नहीं बन पाए। चार पारियां हुई, चार पारियों में 200 का स्कोर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नहीं पार कर पाई। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच भारतीय बल्लेबाजी के लिए और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के लिए कितनी मुश्किल थी। सिर्फ दो अर्धशतक लगे इस पर उस्मान ख्वाजा ने लगाए, वहीं भारतीय टीम के डिपेंडेबल मिस्टर पुजारा ने लगाए। तो केवल दो अर्धशतक लगे इस पूरे टेस्ट मैच में, तो वही इस बात से आईसीसी बिल्कुल खफा दिखी और ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले लंबे समय तक इंदौर में आपको टेस्ट मैच ना देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की पिच ही बनाई गई थी। और अब जो अगला मुकाबला है भारतीय टीम का 9 मार्च से, वो अहमदाबाद में खेला जाएगा गुजरात के, और वो देखना होगा कि किस तरीके की पिच वहां रहती है। आपको याद होगा पिछला इंग्लैंड का दौरा था जो भारत का, उसमें यहाँ मुकाबले खेले गए थे, यहाँ भी दो दिन ढाई दिन में मुकाबले खत्म हुए थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार शायद पिच बदलती हुई नजर आएगी और ऐसा हो सकता है कि संतुलन भरी पिच, जैसा कि आईसीसी के रेफरी बोलते हुए नजर आए थे कि संतुलन होना चाहिए, गेंदबाजी को भी मदद मिले और बल्लेबाजी के लिए भी आसान पिच हो, ऐसे पिचों पर टेस्ट मैच देखने में अच्छा लगता है। न्यूजीलैंड में ऐसे टेस्ट मैच हुए हैं जहां एक रन से मुकाबला जीतती हुई नजर आई न्यूजीलैंड, तो ऐसे टेस्ट मैच होने चाहिए जहां आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक गेम जाए, तो वहां मैच, यहां दो दिन में ढाई दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि पिच सही थी इंदौर की या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।